माननीय अध्यक्ष महोदय, अब तो ये माननीय नेता प्रतिपक्ष बोलने के लिए खड़े हुए हैं, इनको बोलने दिया जाए। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलने का अवसर प्रदान किया। महोदय, विपक्ष का कर्तव्य सरकार के खामियों को उजागर करना, आईना दिखाना है, लेकिन मुझे यह कहते हुए खेद हो रहा है कि इस सरकार की जो स्थिति है वह बेहद ही दुर्भाग्यपूर्ण है, क्योंकि कोई छुपा हुआ चेहरा नजर आए शायद, कोई छुपा हुआ चेहरा नजर आए शायद, आईना गौर से आपने देखा ही नहीं कभी। यह स्थिति इस सरकार की है। महोदय, राज्यपाल का अभिभाषण सत्य से परे एवं सरकार के झूठ का पुलिंदा है, जिसे मैं स्वीकार नहीं कर सकता हूं। महोदय, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में रटी रटाई बातों का वही उल्लेख है। इस अभिभाषण में न दृष्टि है, न ही सृष्टि है, केवल झूठ का पुलिंदा है और सपनों की वृष्टि है। महोदय, बालू और दारू का खेल निराला है, बालू और दारू का खेल निराला है, माफिया मस्त और प्रशासन मतवाला है। महोदय, माफिया मस्त और प्रशासन मतवाला है। महोदय, मीडिया में एक बात फिर से जंगल राज रिटर्न का शीर्षक सुर्खियों में बनने लगा। 1990 के दशक को याद कर लोग सहमने लगे हैं। महोदय, महोदय, उस समय लोग कहते थे हमारे माननीय विधायकों की आवाज है जो उस जंगल राज में प्रताड़ित हुए थे। दक्षिण में सुखाड़ था, उत्तर में बाढ़ था, दक्षिण में सुखाड़ था, बीच में नरसंहार था, कर्मचारी पदाधिकारी लाचार था, व्यवसायी भयभीत था, अपहरण का व्यापार था, कुर्सी पर मियां बीबी सार का सरकार था, यही यही सरकार थी। महोदय, वो सरकार 90 की दशक की थी। बिहार की जनता ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में खजाना लूटने वाले को परास्त किया था और सरकार बनाई गई थी। वह सरकार जिनको बनाने का अवसर मिला था, कुर्सी के खेल में बिहार को फिर से उन पुराने दिनों में धकेलने की साजिश की जा रही है। महोदय, विकास, सुशासन आदि विषयों पर सरकार के पास कहने के लिए कुछ नहीं है। इसलिए महामहिम के अभिभाषण में भी सरकार ने डंडी मारी है। महोदय, जो उपलब्धियां गिनाई गई है वे आज की सत्ता के साझेदार की नहीं, बल्कि उन एनडीए के कार्यकाल की है, जिसे धोखा देकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने चोर दरवाजों से अपनी कुर्सी बचाई है। महोदय, 10 अगस्त 2022 को सरकार शपथ ली। सरकार के 200 दिन, दुर्दशा के 200 दिन बिहार के आज पूरे हो गए। ये 200 दिन के अंदर महोदय, जो महामहिम राज्यपाल महोदय का भाषण है 34 पैराग्राफ में छपा है, भाषण गंभीर नहीं है, इसमें विवरणी का भारी अभाव है। सरकार द्वारा जो विवरणी दी गई वह तो असत्य से भूले हुए है, बोले हैं, अस्तित्वहीन एवं काल्पनिक है, क्योंकि वो नए हैं, वो जानते तो पूरी बात को कम से कम संज्ञान लेते। महोदय, पैराग्राफ 2 में वर्णित नंबर 122 हमेशा व्यस्त रहता है अपराध और भ्रष्टाचार के लिए, जहां डायल करने का उसमें चर्चा है।
डेडिकेटेड 400 वाहन कहाँ है किसी को पता नहीं है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को लोग निजी वाहन से इलाज कराने ले जाते हैं। अतः यह सरकार का दावा असत्य है महोदय। और मैं तो कहना चाहूंगा कि कर्मों में सावधानी रखिए मुख्यमंत्री जी, कर्मों में सावधानी रखिए, क्योंकि वक्त तय करता है कर्मों का हिसाब कब करना है। वक्त तय कर देगा कर्मों का हिसाब कब करना है। यदि आप और एक चीज और कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी, जहां भी बैठे हैं आप सुन लीजिए कि यदि आप किसी को धोखा देने में सफल हो जाते हैं तो यह कभी ना सोचें कि वह व्यक्ति मूर्ख है। महसूस करें कि उस व्यक्ति ने आप पर आपकी योग्यता से अधिक भरोसा किया गया। ये भरम में आप न रहें माननीय मुख्यमंत्री जी। सिद्धांत की बात करते हैं, विशेषकर गांधी जी के 7 पाप कर्म सिद्धांत की बात करते हैं। आप अवश्य अवगत होंगे कि गांधी जी का पहला सिद्धांत, गांधी जी का पहला सिद्धांत विधानसभा के सामने में लिखा हुआ है। सिद्धांत के बिना राजनीति पहला अक्षर है, सिद्धांत के बिना राजनीति। लेकिन महोदय थोड़ा शांति से सुने, सिद्धांत के बिना राजनीति, लेकिन आपकी राजनीति तो केवल कुर्सी प्रेम से है जो गांधी जी के सिद्धांत से मेल नहीं खाता। शांति। आप तो मुख्यमंत्री जी भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात करते थे और जिनके विरुद्ध आप सत्ता में लाए गए उन्हीं की गोद में जाके बैठे। कहां गई आपकी सिद्धांत? और आप इतना भी नहीं रुके, उनके गोद में बैठे ही नहीं, उस भ्रष्टाचार से जिनका जन्म हुआ उस राजकुमार को उत्तराधिकारी भी आपने बना दिया। महोदय माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके दिल में उत्तराधिकारी योग कोई नहीं था। गांधी जी के पाप कर्म का अंतिम सिद्धांत, कर्म के बिना धन, कर्म के बिना धन। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने अपने सहयोगी से पूछे कि क्या वो इस सिद्धांत को मानते हैं, या फिर अपने दिल में सिद्धांतों की तिलांजलि देकर सिद्धांत विहीन राजनीति में समझौता कर लिए। कहां गया सिद्धांत? माननीय मुख्यमंत्री जी आप बता दें, आप बता दें तूफान से क्या बात हुई। मुख्यमंत्री जी आप बता दें तूफान से क्या बात हुई, लहरों को गिरवी रखा या किश्ती को ही बेच दिया? क्या किया आपने? क्या समझौता हुआ? क्या समझौता हुआ? क्या डील हुआ? क्या डील हुआ बताइए। सदन जानना चाहता है, अंदर की बात को बताइए, अंदर की बात को बताइए। अभी तो कुछ लोग ही छोड़ कर गए हैं मुख्यमंत्री जी, एक एक कर सभी छोड़ देंगे। जो वादा आपने किया है किसी से निभाने वाला आप नहीं है और नहीं निभाएंगे। इसलिए मुख्यमंत्री जी दिल की बात के अंदर की कहानी है कि आज अपराधियों और भ्रष्टाचारियों की सरकार का मनोबल बढ़ गया है। मुख्यमंत्री जी, अपराधी अपराध करके जब बचता रहेगा तब तक इसी तरह बेहिसाब जुर्म बढ़ता रहेगा। इस बिहार में बेहिसाब जुर्म बढ़ रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी जवाब देना होगा। राज्य में गरीब की हत्या हो रही है, अमीर की हत्या हो रही है, लाचार की हत्या हो रही है, बेबस की हत्या हो रही है, दलित शोषित पिछड़ा अति पिछड़ा की बहु बेटियों की इज्जत भी लूटी जा रही है। बलात्कार करने वाले के आप ही के जिले के अंदर, उपाध्यक्ष महोदय आप ही के जिले के अंदर एक दलित की बेटी का बलात्कार करके उसकी जिह्वा काट लिया। मैं गया था, बोल नहीं सकती, उसके माता पिता उसके दर्द को जाके देखिए,
इंसाफ नहीं मिल रहा है। और समस्तीपुर के अंदर ही पहली हत्या रघुवीर स्वर्णकार का हुआ। रघुवीर स्वर्णकार की हत्या इसलिए हुआ कि उसका बच्चा पढ़ करके आया था, कोचिंग चलाता था, कोचिंग में लड़का लड़की पढ़ता था, लड़की को छेड़छाड़ कर रहा था और लड़की को छेड़छाड़ करते हुए वहां के बच्चों ने पकड़ के थाना के हवाले किया। थाना ने उसको जेल भेजा और उसके दबाव में इस पर भी एक FIR काउंटर करवा दिया। उसकी जमानत समझौता करके जमानत हो गया। जब वो जेल से निकलता है तो रघुवीर स्वर्णकार को मार देता है। आज तक 5 महीना हो गया, आपके संज्ञान में है, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुआ है। महोदय बिहार और पूरा देश देख रहा है इस भयावह मंजर को, कैसे राज का अमन चैन शांति व्यवस्था सुकून एवं भरोसा की जिंदगी में एकाएक तूफान आ गया। यह मैं कल्पना के आधार पर नहीं कह रहा हूं, आपकी सुविधा एवं राज की जनता की जानकारी के लिए मैं कुछ आंकड़ा दे रहा हूं, जो बिहार क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के माध्यम से जनवरी से लेके अक्टूबर 2022 तक का है। हत्या 2499 हत्या हुआ है, लूट 3419, डकैती 2026, बलात्कार 1365, बैंक डकैती 18, बैंक रोबड़ी 9। और महोदय, जो अपहरण उद्योग उस जंगल राज में चलता था, अपहरण 9992। ये स्थिति है बिहार की महोदय, ये आंकड़ा आप ही का दिया हुआ है, आप ही का, जबकि बहुत मामले को दर्ज नहीं थाना करता है, बरगलाने का बात करता है। महोदय, अपराधियों के कारण अनाथ हुए बच्चों, विधवाओं और महिलाओं, बेसहारा माता पिता का क्या दोष है, क्या दोष है महोदय, जिसका जवान बेटा को अपराधी गोली मार देता है। बेसहारा माता पिता सिसक सिसक कर रो रहा है कि मैं अब किसके भरोसे जीऊंगा। वह मासूम बच्चे जो 6 महीने का गोद में लिए, वो लड़की जेठली में जाके कहानी देखिए, जाकर के कहानी देखिए, गोपालगंज के अंदर कई जिले, 28 जिले के अंदर हमने दौरा किया है, सबका फोटो आपका वायरल है सोशल मीडिया पर, सिसक रहा है वह मासूम बच्चा, वह विधवा, वह बेसहारा माता पिता किसके भरोसे जिएगा, कौन उसकी आंसू को पोछेगा। महोदय, क्या सरकार स्पीडी ट्रायल चलाकर उन अपराधियों की संपत्ति जब्त कर पीड़ित परिवार को मुआवजा देने का कार्य करेगी? सरकार जवाब दे, सरकार जवाब दे। और अगर जो नहीं करती है, अगर जो नहीं करती है ये सरकार, तो एक विपक्ष के नाते मैं आज इस सदन के अंदर कहना चाहूंगा कि जब हमारी सरकार बिहार में बनेगी तो बिना भेदभाव के सभी को न्याय रोजगार की प्राथमिकता देंगे। और महोदय, बुलडोजर चला करके उसके अपराधी के निशानी को भी मिटाएंगे, ये भी मैं घोषणा करता हूं। महोदय, अपराध